टू माय YouTube चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, चिल्ड होंगे, रिलैक्स होंगे। इस वक्त जो टाइम हो रहा है ना, मतलब दिस इज न्यू ईयर नाइट, सो आप सब लोग इंजॉय कर रहे होंगे। हर कोई न्यू ईयर नाइट पे निकला हुआ होता है अपने घर वालों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने किसी के भी साथ, जिसके साथ भी जाना है जाओ, मनाओ और इन्जॉय करो। और आप लोग मुझे जैसे वेलकम बैक भी बोल सकते हो। क्या हुआ, इतने सारे मैसेजेस आ रहे थे, इतनी सारी आप लोगों की यू नो डीएम्स वगैरह इंस्टाग्राम पे मैंने देखे। बहुत 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 शुक्रिया आप सब लोगों के इतने सारे प्यार का, इतने कंसर्न का। और मतलब मैं कैसे आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँ। आप लोगों ने इतनी ज़्यादा कंसर्न दिखाई कि मैं मजबूर हो गई कि मैं दोबारा से व्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँ और बताऊँ। सो ये वीडियो आपने स्किप नहीं करनी है। इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल देने वाली हूँ, क्या हुआ, मेरी वीडियो सारी कहाँ। इस वीडियो को आप लोग स्किप मत कीजिएगा क्योंकि मैं आप लोगों को सारी डिटेल बताने वाली हूँ, जो भी सीन था। मैंने सोचा था मैं इस पे वीडियो नहीं बनाऊंगी। माशाल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोगों की यू नो परवरिश इस टाइप की हुई है, फुल वो उर्दू वाले वर्ड के लाइफ में ना, हमारे अब्बू ने हमें सिखाया है, हमारे पापा ने हमें सिखाया, हमारे फादर ने हमें सिखाया, कुछ भी हो ना कुछ नहीं होता। सो एक सारी डिटेल बताऊंगी। चलो एक सेकंड यार, ये देखो इसकी आवाज़ें आप लोगों को सुनाई दे रही होंगी काफ़ी। इस वक्त जो है ना रात का टाइम है, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ कितने बज रहे हैं इस वक्त। सो गाइज, मैं आप लोगों को इसमें सारी डिटेल बताने वाली हूँ, क्या सीन था क्या सीन नहीं था, बहुत शॉर्ट में बताऊंगी। सो स्टे ट्यून, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। A few moments later. अच्छा, सीन ये है यार कि मेरी बर्थडे पे माशाल्लाह से मुझे नया सेलफोन गिफ्ट किया था इन्होंने। एंड जब वो सेलफोन गिफ्ट उन्होंने किया था तो वो माशाल्लाह से बड़ा ये ओके सेट है, बहुत ही प्यारा सेलफोन है। सो इसमें थोड़ा सा कुछ मसला था। मैंने अपना फ़ोन जो है वो दोबारा से दिया था, एक दो मेरी बैंकिंग ऐप्स थी जो नहीं चल रही थी। सो ये PTI अप्रूव भी था सारी चीज़ें, PTI दिमाग में चल रहा होता है। सो सॉरी, अजान की आवाज़ तो आनी ही है। अच्छा जी, सो जो भी है, एक मिसअप हो गया था। पूरी डिटेल आप लोगों को मैं नहीं दूंगी, थोड़ा सा आईडी का कुछ इशू हो गया था। एंड उसके बाद से बहुत सारी मेरी वीडियोस, मतलब किसी के लिए ना बहुत बड़ी बात होती है, कोई और यूट्यूबर हो या कोई ऐसे दिल वाली चीज़ होती है आपकी, इतनी सारी मेहनत आपकी, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, ओ मेरा शहजादा, बस दो मिनट बेटा, दो मिनट, हाँ मेरा बच्चा। A few moments later. मुझे लगता है इस साल मैं ये वीडियो कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी, मैं आपको बता ही नहीं पाऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि ये कोई मैं 100 times में वीडियो बना चुकी हूँ। और मेरा बच्चा उठ चुका है, मैं उसको 100 सुला चुकी हूँ, माशाल्लाह से वो 100 उठ चुका है और वो वीडियो बनाने नहीं दे रहा है। तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाते हैं, मुझे जाना भी नहीं है क्योंकि मैं ना बहुत ऐसी चिल वाली ना पॉजिटिव वाइब्स वाली बंदी हूँ, मुझे पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करना होता है। नेगेटिविटी, क्या हुआ, जो हो गया सो मट्टी पाओ ते छोड़ो ते छाड़ो, वो वाली बात है। सो एनीवेज, जस्ट मैं आपको इतना बता दूं कि मैं बहुत ज़्यादा ऑफकोर्स अपसेट हुई थी, मुझे बहुत ज़्यादा मेरा दिल टूटा, बिकॉज बहुत सारी सीरीज़ मैंने बनाई थी। मेरा एक ट्रिप हुआ था माशाल्लाह माशाल्लाह से, हमने न्यू ईयर बाहर सेलिब्रेट किया था। और हम कहाँ गए थे, हमारी कहाँ की फ़्लाइट थी, रिटर्न फ़्लाइट, तो वो उसका बहुत ज़बरदस्त जो है वो व्लॉग था। मैं कोशिश करूँगी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएँ, मुझे वो क्लिप्स मिल जाएँ, तो मैं आप लोगों के साथ। सो इतनी ज़बरदस्त एनिवर्सरी, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट की थी। मुझे इतना अच्छा सरप्राइज़ मिला, सुबह मुझे बोला कि हमारी फ़्लाइट है, एंड मैंने बोला क्या, और हमें चलना है। और बहुत 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 ही माशाल्लाह अच्छी हमारी एनिवर्सरी गुजरी, तो उसकी मैंने एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो बनाई हुई थी। इसके अलावा अजान की 3 months की, 4 months की, 5 months की, माशाल्लाह सारी वीडियोज़ थी, सारी हमने उसकी बर्थडेज़ बहुत स्पेशल सेलिब्रेट की थी। इसके अलावा और भी बहुत सारी जगहों पे, माशाल्लाह आपको पता है यार हमारा जाना आना रहता है, तो बहुत सारी वीडियोस थी जो कि मेरी बनी हुई थी, वो सारी की सारी डिलीट हो गई। तो जो मेरा चैनल अब कह लो हैक हुआ, वो क्या हुआ, वो आईडी का जो भी इशू हुआ था, सारी वीडियोस चली गई, वो रिकवर नहीं हो सकी। आप लोग बिलीव करोगे, 350 वीडियोस थी जिसमें से मुझे 50 वीडियोस मिल चुकी हैं, 50 वीडियो रिकवर हुई हैं, बाकी मेरी कोई वीडियो रिकवर नहीं हुई। कोई और होता ना तो वो मर ही जाता। 3 hours later.
यार बहुत सारी ऐसी चीजें थी, तो फिर इन्होंने बोला कि कोई टेंशन की बात नहीं है, माशाल्लाह 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 से हम लोग का रोजाना आप लोग देखते ही हो, कहीं ना कहीं आना जाना होता ही है। 300 वीडियो थी ना, और साल के 365 दिन होते हैं, तो तुम्हें 300 मतलब 30 दिन में ना मैं 300 जगह पे ले जाऊंगा, तुम बना लेना माशाल्लाह से। यार जब आपका हस्बैंड सपोर्टिव हो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आपकी फैमिली सपोर्टिव हो, आपका भाई, आपकी बहनें, आपके अम्मी, आपके अब्बू, सब आपको इतना सपोर्ट कर रहे हो, कोई भी आपको किसी भी चीज को लेकर मना नहीं करता, सब बोलते हैं यार चिल मारो, जो करना है करो लाइफ में, तो फिर और आपको क्या चाहिए ना। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से इन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया, छोड़ो जो हो गया सो हो गया, क्योंकि मेरा दिल टूट गया था। मैंने बोला बस अब मुझे बनानी ही नहीं है, अब मैं आऊंगी नहीं, व्लॉगिंग नहीं करूंगी, मैं बाकी कुछ और कर लूंगी, चैनल को किसी और चीज़ पर ले जाऊंगी, लेकिन व्लॉगिंग नहीं करूंगी। हुआ ये कि व्लॉगिंग नहीं कर रही थी मैं, बहुत पागल हो गई थी यार। घर में रह रहे के इंसान पक जाता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि जिससे आपको खुशी मिलती है। 3 hours later. So guys, दिल तो आपका टूटता ही है कि आपकी इतनी सारी चीजों को एकदम से ऐसे 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 से कुछ हो गया। कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि यार नजर भी लग गई है। मैंने बोला यार अभी मैं क्या बोल सकती हूँ, कुछ यू नो लाइफ में होती हैं चीजें, होती हैं। हम ऐसा बोलते हैं यार मैं उन चीज़ों में नहीं जाती हूँ, छोड़ देते हैं उन चीज़ों को। एनी वे, सो जो हुआ सो हो गया। अभी की बात यह, मैं बार बार अपनी जो है ना वो वॉच को शो मार रही हूँ, आप लोग जानते हो। अच्छा आप लोग पता नहीं जानते हो कि नहीं जानते हो, लेकिन अब जान जाओ। मैंने नोटिस किया इस हफ्ता 15 दिन जब मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही थी, मैं व्लॉगिंग किए बिना नहीं रह सकती। मैं अगर कहीं जा रही हूँ ऐसा लग रहा है वेस्ट हो रहा है जाना, अगर मैं दिखाई नहीं रही हूँ। मुझे शो ऑफ करने का बहुत शौक है, मुझे दिखावा दिखाना जो भी आप लोग बोलते हो, मुझे ऐसा लगता है शो ऑफ, व्लॉगिंग और ये सारी चीज़ें, ये एक लाइफस्टाइल है, ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि आप चीज़ कर रहे हो, तो कुछ लोग इसे शो ऑफ बोलते हैं, शो ऑफ है ना, तो मुझे बहुत पसंद है, तो मैं इसके बिना नहीं रह सकती। तो आप लोगों को ना बंदी की दाद देनी पड़ेगी, 300 वीडियोस किसी की डिलीट हो जाएं और उसके बाद इतने जल्दी कमबैक करना, वो भी इतने अच्छे से तैयार श्यार होके, तो बहुत बड़ी बात होती है गाइस। स्पेशली मैं आप लोगों को बोलूँगी, मुझे प्लीज़ आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, आई रियली नीड योर सपोर्ट। अगर आपको 1% भी लगता है ना, जो भी मेरे चैनल पे थे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर मैं नाम लूँगी ना इंसाफ़ी हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं मुझे जो बहुत पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, देखते हैं। आप लोगों का कंसर्न, आप लोगों की DMs, आप लोगों के मैसेजेस सब मुझे मिल रहे थे, आप सब लोगों के प्यार का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखो, शेयर करो। अभी प्लीज़ आप देखो यहाँ पे रेड बेल आइकॉन, वो हाँ हाँ यही यही, सब्सक्राइब कर लो, हिट द बेल आइकॉन, एंड प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़्यादा ज़्यादा आप लोग देखो, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग की सपोर्ट की मुझे अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 3 hours later. गाइस प्लीज़ सपोर्ट करो, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखो, शेयर करो और हिट द बेल आइकॉन, ताकि आप लोग जो है ना मेरी डेली की वीडियोस देख लो। बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी अपडेट देनी है, लाइफ की अपडेट देनी है, क्या चल रहा है माशाल्लाह से। इतने मज़े मज़े की वीडियोस थी ना, अगर आप अजहान का 5th month वाला बर्थडे देखते, माशाल्लाह से हमने वो, यार मैं थोड़ा डर गई हूँ, मतलब माशाल्लाह बोलना अच्छी बात है, इसमें कोई गुनाह की बात नहीं है, आप लोग जानते ही हो। माशाल्लाह से उसका 5th month का बर्थडे हमने सेलिब्रेट किया था, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ग्रैंड, वो क्लिप्स भी चली गई, पिक्चर्स हो सकता है मैं लगा दूँ तो आप लोग देख लेना, या अगर मुझे कहीं से कुछ मिलता है वीडियोज़ वगैरह में, तो दोबारा से मेहनत करूंगी, दोबारा से एडिटिंग करूंगी आप लोगों के लिए, और दोबारा से आप लोगों को दिखाऊंगी। आप लोग देखना, प्यार देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना, क्योंकि इतनी मेहनत करके जब व्यूज़ अच्छे नहीं आते ना, तो दिल में दर्द होता है, औरों के होता होगा, मुझे थोड़ा कम होता है, लेकिन होता तो है ना यार, कम वाला दर्द भी नहीं चाहिए, दर्द नहीं चाहिए लाइफ में, खुशियाँ 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 चाहिए। 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह, अरे देना यार देना सब। गाइस बस मैं इतना आप लोगों को बोलूंगी, 2021 को हम अल्लाह हाफिज कह चुके हैं, वेलकम कर रहे हैं 2022 को। कुछ भी लाइफ में हो जाए तो कुछ नहीं होता है, बी स्ट्रॉन्ग और अपने आप को मोटिवेट करो, कोई और बाहर से आपको मोटिवेट नहीं करेगा, आपकी फैमिली और आप खुद अपने आप को जो मोटिवेशन देते हो ना, वो आपको लाइफ में कोई नहीं दे सकता। तो टेंशन की बात नहीं है, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप पहले अपने आप को देखो कि आप क्या चाहते हो। मैंने देखा कि मैं चाहती हूँ यही, मुझे ब्लॉगिंग करनी है, मुझे वीडियोज़ बनानी है, मैं चाहती हूँ रोज स्माइल एक ब्रांड है, एक नाम है। चुप, बिल्कुल चुप।
मजाक कर रही हूँ यार, लेकिन छोटा मोटा ही सही, थोड़े लोग ही सही, लेकिन मुझे बड़ा मजा आ रहा था। जब मैं मार्केट में या कहीं जा रही थी तो एक आती सही मुझे पहचान रहा था, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। एंड मुझे शुरू से, आप लोगों को पता है मैंने अपना नाम चेंज नहीं किया है, शादी के बाद लोग अपना नाम चेंज करते हैं। अभी मेरा पासपोर्ट रिन्यू के लिए जा रहा है, मेरा NIC चेंज हो रहा है, तो मुझे अभी ये बोल रहे थे कि तुम्हारा नाम चेंज कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी हमें जो है वो ट्रिप करना था माशाल्लाह से। अब वो कहाँ का मैं क्या बताऊँ, दुबई या टर्की का कुछ इस तरह का हमारा प्लान था, तो मेरा पासपोर्ट जो है वो एक्सपायर्ड था। इसके अलावा हमारे जो है ना वीज़ा का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, और इसके साथ साथ मेरे निका नाम है, और ये नाम वाम चेंज करने का कुछ सीन होता है ना, सो ये मुझे नाम चेंज नहीं करना। मुझे उरूज इस्माइल नाम बहुत पसंद है माशाल्लाह से, मुझे अपने पापा का नाम बहुत पसंद है, इस्माइल मोहम्मद इस्माइल सिद्दीकी। सो मेरा नाम है उरूज इस्माइल, एंड उरूज इस्माइल के नाम से मुझे दुनिया जानती है, और मैं चाहती हूँ कि मेरा वही नाम लाइफ टाइम रहे। लेकिन अभी थोड़ा सा कुछ हो रहा है मसला, कि मुझे जो है ना अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाना है, आगे की फ्यूचर की कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से, एंड इसके अलावा मुझे काशिफ के नाम पर करवाना ही पड़ेगा। सो देखते हैं, लेट्स सी कि क्या होता है, कि क्योंकि एड्रेस वेड्रेस ये सब भी चेंज होगा। सो बहुत सारी चीज़ें इस तरह की चल रही हैं, तो मैं आपको बताना ये चाह रही हूँ कि मुझे अपना नाम इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद है, उरूज इस्माइल सब लोग इस नाम से जानते हैं, मैं चाहती हूँ नाम रहे जी। सो न्यू ईयर का आज पहला, मतलब न्यू ईयर हो चुका है, 12 बज चुके हैं, सेलिब्रेशन हो चुकी है, हम बाहर से आ चुके हैं। मेरा न्यू ईयर 3 दिन पहले ही स्टार्ट हो गया था, एंड माशाल्लाह से 3 दिन से न्यू ईयर मना रही हूँ। आखिरकार आज न्यू ईयर फाइनली हो गया है, एंड बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे व्लॉग्स हैं, बहुत सारी टिप्स हैं, ब्यूटी टिप्स हैं, जो आप लोग फ्यूचर में देखने वाले हो। सो आप लोगों ने जो है ना वो कनेक्टेड कनेक्टेड रहना है, बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों से डिस्कस करनी है, आप लोगों को बतानी है ऑफ कोर्स। सो यस, एंड लेट्स सी कि कल का पहला दिन कैसा गुजरता है। और अभी हमने बहुत मज़ा किया अल्हम्दुलिल्लाह, फैमिली गए शाये घूम काम खा पी आ गए हैं, अभी बस यू नो बस अभी क्या, अभी सारा कुछ जो है ना वो चेंज वेंज करना है, एंड उसके बाद फिर देखो क्या होता है, कल का दिन कैसा गुजरता है। बहुत प्यारी, आप लोग बोलो कि इतनी लंबी वीडियो कर दी है इसने, बस आखिरी बात बोल रही हूँ, क्या करूँ यार, इतनी सारी बातें, इतने दिनों बाद आप लोगों से ये बातें कर रही हूँ। सो मुझे टाइम तो चाहिए, एक मेरी बहुत ही प्यारी फैमिली है, मैंने तालिया को बोला, मैं मेरी दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, आप लोग जानते होंगे, सो जो मुझे जानते हैं वो शायद उसको जानते होंगे, तो मैंने उससे बोला यार मुझे नहीं बनानी वीडियोज़ और व्लॉगिंग नहीं करनी, उसने बोला यार तुम्हें पता है कि मेरी फैमिली में तुमको कितना प्यार करते हैं, तुम्हारी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, तुम्हारी वीडियोस देखते हैं, उससे वीडियो देख के खुश होते हैं, उन्हें इतना अच्छा लगता है, उसकी वजह से तुम्हारे और भी मेरे खानदान में तुम्हें लोग जानते हैं, तो तुम ऐसा मत करो यार, तुमको कितना लोग प्यार करते हैं, कितनी दुआएं देते हैं, कौन है ये लोग, कितना पसंद करते हैं, मतलब होता है यार, मतलब समझ रहे हो आप, मतलब हाँ आई नो मैं अच्छी हूँ, अखलाक ये सारी चीजें ही मैटर करती है बाकी। और क्या मैटर करता है, अब इतनी तारीफ कर ली मैंने खुद से, जो भी है यार, सो सब इतना प्यार करते, तो उनके प्यार के लिए मुझे आना ही पड़ा। सो बस अब आप लोगों को मुझे बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, मैं वीडियोस बनाऊंगी, आप लोग रोज मेरी वीडियोस देखते रहो अब से। सो मैं बातें कर करके थक गई हूँ, बहरहाल जब आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो तो मेरा बनता है कि मैं व्लॉगिंग करूँ, मेरे पास कोई बैकअप नहीं है। गाइज प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा लाइक करो, और अब से मैं डेली वीडियो बनाऊंगी, डेली वीडियो अपलोड करूँगी। हमारी एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन ज़रूर आप लोग को दिखाना चाहूँगी, क्योंकि वो बहुत क्यूट सरप्राइज़ था, माशाल्लाह से बहुत ही आला था, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ ऐसा आपके लिए कोई कर जाए, मतलब वो आपका मियाँ ही कर सकता है, तो वो वाली बात है, माशाल्लाह थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड मैं आप लोग के साथ आप लोग रहो मेरे साथ, आप लोग को बहुत कुछ दिखने वाला है मसाला, ठीक है, रखिएगा अपना बहुत ख्याल, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, मुझे जाना पड़ेगा, मेरा बच्चा बार बार उठ रहा है, और यस 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 डेली व्लॉगिंग करेंगे, आप देखते रहिएगा आप लोग मुझे, ठीक है जी, बाय बाय, लव यू, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन, टाटा।